ये बम्बई में मैंने एक बैठक में गाई थी तो मैंने वहां ऐलान किया था कि जो ये तान मुझे सुनाएगा मुझे गवैया मानूंगा। आज तक नहीं सुनाई वहां हिंदुस्तान पूरे ने। उस तान में ये खूबी है लय में तान स्पाट आती है। देखने की चीज है वो क्या बुजुर्ग थे जो ये ताने अदा करते थे। इब्राहिम देखेगा तो लय में रह जाएगा। कान अदा करेगा तो अदा कान नहीं होगी। इस कान में जो खूबियां लय और लय के साथ लिपट के आती है ये जनैद साहब की देन देन की दाद है खूबियां। जनैद साहब पटियाला के बुजुर्ग थे लेकिन मैं उनको अपना बुजुर्ग मानता हूँ। उन लोगों ने लाइनें छोड़ी उन लाइनों पर हम भाग रहे हैं चाहे उनके बच्चे हों चाहे उनके बाहर के हों। तो जनैद साहब हमारे बुजुर्ग हैं तब मैं ये ख्याल प्यार से गाता हूँ। और तान ऐसी इस सदी में किसी ने नहीं मारी जैसे जनैद साहब ने तान फिरी। सदी का रवैया था लेकिन मैं उनको बहुत मानता हूँ तो मैंने ये तान रूहानी तौर पर अडॉप्ट किया। पाठ है ये रजब अली खान साहब दिवास वाले जाते थे उनकी तान मैंने अडॉप्ट की है। 50 साल पहले मैंने ग्वालियर में उनका गाना सुना था तो ये तान सुनी थी मैंने। 7 साल में ये तैयार हुई। 7 साल मैंने रियाज किया मुलायदा हो
एक्सपेरिमेंट किया कि हम तीनों बाप बेटे इकट्ठे गाते, तो वही हमने रिकॉर्ड करवा दिया। 6 महीने पूरे वर्ल्ड में हम तीनों गाए हैं। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब जगह हमने, तो ये इस टूर का असर है कि जो बच्चा ऐसे गाने लग गया फर्स्ट टाइम। वरना बच्चे का काम नहीं ये ताने कहने जो मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहा। तो ये बहुत बड़ा हमने पाकिस्तान के लिए एक और एक्सपेरिमेंट छोड़ा है, जो दुनिया में इज्जत से बड़ा लोगों ने सराहा है। ये शहरी है, जैसे शहरी शहर कहते हैं, ये बंदिश भी शहरी है। हम सुरों के साथ शेर बांधते हैं, ये शहरी है। इसमें गुंजाइश नहीं बोल पड़ने की।